हेलो गाइड्स, वेलकम टू यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इस तरह से हिंदी वाक हो तो उसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? जैसे, वह पता करके मुझे बताएगी, मैं सब पता लगा लूँगा। वह उसके बारे में पता लगा रहा है, हमें पता लगाना पड़ेगा। सोहन कुछ नहीं पता लगाएगा। तो ऐसे वाक हमें अपने डेली लाइफ में सुनने को मिलता है और हम कभी कभी ऐसे वाक बोलते भी हैं। तो चले देखते हैं ऐसे वाक को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। गाइड्स देखिए, फाइंड आउट, फाइंड आउट मीन्स होता है पता करना या पता लगाना। तो यहाँ स्ट्रक्चर लिखा गया है, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद फाइंड आउट, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। गाइड, ये जो फाइंड है यह मेन वर्ब है, यह टेंस के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसा वाक्य है। पहला वाक्य है, मैं सब पता लगा लूँगा, मैं सब पता लगा लूँगा। आई विल फाइंड आउट आल, आई विल फाइंड आउट आल। अगला वाक्य है, वह उसके बारे में पता लगा रहा है, वह उसके बारे में पता लगा रहा है। ही इज फाइंडिंग आउट अबाउट हर, यदि लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर। अगला वाक्य है, हमें पता लगाना पड़ेगा, कोई कह रहा है हमें पता लगाना पड़ेगा। वी विल हैव टू फाइंड आउट, वी विल हैव टू फाइंड आउट। अगला वाक्य है, वह पता करने के बाद मुझे बताएगी, वह पता करने के बाद मुझे बताएगी। सी विल टेल मी आफ्टर फाइंडिंग आउट, सी विल टेल मी आफ्टर फाइंडिंग आउट। राइट, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ऐसे वाक्यों को किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा फाइंड आउट का प्रयोग करके। तो गाइड, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ समझ में आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग इसी तरह से पढ़ते लिखते सीखते भी चलेंगे।